देखिए, पहला पैलिड, पैलिड से मतलब पेल, पीले को बोलते हैं पैलिड, बीमारी के कारण पीला पड़ जाना, इसलिए इसका सिनोनिम हो जाएगा पेल। बाकी के जो वर्ड्स दे रखे हैं, वर्थलेस का मतलब है मूल्यहीन, जो भी महत्वहीन है मूल्यहीन है उसको वर्थलेस बोलते हैं। कंफर्टिंग का मतलब है आराम देने वाली कोई भी चीज है उसको कंफर्टिंग बोलते हैं। नंबर दो, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल से मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो स्पर्श करने योग्य ना हो, जिसका कोई आकार निश्चित ना हो, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो तो होगा एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि आपसे पूछा गया इसका एंटोनिम, इसलिए इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट जो एकदम ठोस हो, मूर्त रूप हो, आकार एकदम निश्चित हो, उसे हम कॉन्क्रीट के नाम से जानते हैं। एथरियल जो वर्ड है इसका अर्थ है स्वर्ग के जैसा, लाइक हेवन, या फिर अत्यधिक नाजुक, बहुत डेलिकेट जो होता है उसको भी एथरियल कह सकते हैं। इनसब्सटेंशियल जिसमें कोई शक्ति ना हो, जो वीक हो, उसको इनसब्सटेंशियल। वैसे सब्सटेंशियल होता है मात्रा में, गुण में, संख्या में अधिक होना है, तो इनसब्सटेंशियल, इन प्रिफिक्स जोड़कर उसका एंटोनिम बनाया गया है। तो ये जो मात्रा, गुण या क्षमता में कम हो या इंपॉर्टेंट ना हो, उसे इनसब्सटेंशियल कहते हैं। तो कॉन्क्रीट इसका आंसर इंटेंजिबल का। तीसरे में आपसे पूछा है कि सही स्पेलिंग कौन सी है, ये कुछ नया सा वर्ड ही है, पॉन्टिफिकल वर्ड है, ए में स्पेलिंग सही है, नोट कर लीजिए। पॉन्टिफिकल का मतलब है चर्च में जो पोप होते हैं उनसे संबंधित को बोलते हैं पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल से मतलब है चर्च के जो पोप हैं उनसे संबंधित। फिर नंबर 4 से 6 में कॉमन एरर्स, तो नंबर 4 में पूछा है आई ऑलवेज एंजॉय टू रीड बुक्स, एंजॉय के बाद में जेरंड का प्रयोग होता है, इसलिए रीडिंग आएगा, टू रीड गलत है, एंजॉय प्लस जेरंड, इसलिए रीडिंग, तो बी बुक। नंबर 5, वेराइटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ, वेराइटी जो है वो जीवन का स्पाइस है, मतलब रोचकता लाने वाली है, भिन्नता अगर है तो जीवन रुचिकर बना रहेगा, अगर सब कुछ एक जैसी चीजें चलेंगी तो जीवन नीरस हो जाता है, ये कहना चाह रहा है। स्पाइस से पहले दे लगाना पड़ेगा, सी गलत मानना है, क्योंकि अगर आप पूछेंगे स्पाइस किसका, स्पाइस कौन सा, तो प्रेपोजिशन लगाकर एक और नाउन जोड़ रखी है, और जब भी ऐसा होता है कि दो नाउन को आपने प्रेपोजिशन से कनेक्ट किया है तो जो पहले वाली नाउन है वो डेफिनेट बन जाती है, इसलिए उससे पहले दे का प्रयोग करते हैं। तो वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, आंसर आ जाएगा सी। नंबर 6, नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नो के स्थान पर यहां पे आंसर आएगा नोज, नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नोज। नोज इसलिए क्योंकि यहां पे नीदर से स्टार्ट किया सेंटेंस को, नीदर वैसे दो के लिए ही आता है, लेकिन पहले आपको यह देखना है कि इसके साथ आने वाली वर्ब एग्री कर रही है कि नहीं। तो नीदर अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो दो में से एक भी नहीं, ये इसका मीनिंग है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर। अगर नीदर के स्थान पर इधर भी होता तब भी हम ऐसा ही करते, तो नीदर और इधर होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे नोज आएगा ए। नंबर 7, वी कैन डैश सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, डिम लाइट मतलब धुंधली रोशनी, तो हम धुंधली रोशनी में कोई भी चीज क्या कर सकते हैं वो बताना है, तो यहां आपका आंसर आएगा स्केयर्सली, वी कैन स्केयर्सली सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, कि धुंधली रोशनी में हम मुश्किल से ही कुछ देख पाते हैं। बैडली सी मतलब बुरी तरीके से देख पाते हैं, फेयरली करेंगे तो मीन्स देख पाते हैं, रेदर यहां पे बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो इस कारण से स्केयर्सली, स्केयर्सली का मतलब मुश्किल से दिखाई पड़ता है, धुंधली रोशनी अगर है तो। फ्यू कंट्रीज कैन डैश इंडिया इन वेराइटी कलर एंड द रिचनेस ऑफ डांस फॉर्म्स, बहुत ही कम देश है या ऐसे देश हैं ही नहीं जो भारत के साथ कंपीट कर सकते हैं वेराइटी कलर और रिचनेस, जो डांस फॉर्म्स की वेराइटी है, डांस फॉर्म भारत में बहुत ज्यादा हैं, उनके रंग अलग अलग हैं, उनकी रिचनेस अलग अलग हैं, तो उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते, तो लगेगा ऐसा कि कंपेयर लगे, लेकिन कंपेयर का मतलब तो तुलना करना है, तुलना कोई किसी से भी कर सकता है, लेकिन उसमें प्रतिस्पर्धा बने रहना उसको कंपीट कहते हैं, और कंपीट को यहां पे राइवल कहेंगे, राइवल वैसे होता है विरोधी,
लेकिन अगर वर्ब के रूप में राइवल है तो फिर इसका अर्थ है कंपीट करना. तो फ्यू कंट्रीज कैन राइवल इंडिया, तो बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो भारत के साथ कंपीट कर सकते हैं डांस फॉर्म्स की वैरायटी, कलर और रिचनेस में. प्रिवेल है, इसका अर्थ प्रचलित होना होता है. प्रिवेल का अर्थ हराना भी होता है, जो चलन में है, एग्जिस्टेंस है जिस चीज का, जो भी हाल फिलहाल चल रहा है उसको प्रिवेल कहते हैं. परफॉर्म, प्रस्तुत करना. नंबर 9 में पूछा था स्कीम अलाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट. ये जो स्कीम है वो स्टूडेंट्स को अलाउ करती है, डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं, कि वो एक दूसरे के साथ बात कर सकें. तो ईच अदर का प्रयोग तब करते हैं जब संख्या दो हो. चूंकि यहां पे स्टूडेंट्स हैं तो संख्या दो से अधिक ही है, तो इसलिए आपका आंसर आएगा विद वन अनदर. एक दूसरे के साथ बात कर सकें तो विद वन अनदर. नंबर 10 to 12 idioms and phrases, straw in the wind का अर्थ है an indication of what might happen. कोई भी संकेत कि क्या हो सकता है, उसका संकेत को straw in the wind. अगर हवा में कोई तिनका उड़कर आया है तो वो एक संकेत हो सकता है, तूफान का संकेत हो सकता है, कोई और इंडिकेशन हो सकता है. तो डी. फेस द म्यूजिक का मतलब है प्रताड़ना, झेलना कह सकते हो, डांट डपट झेलना. तो यहां पे बी पनिश्ड ये एकदम अप्रोप्रिएट, क्योंकि अपलोडेड तो पॉजिटिव वर्ड है. अपलोड का मतलब तो वाहवाही करना, शाबाशी देना, या अपलोड कर सकते हैं. रिडिकल का मतलब है उपहास करना, डिसमिस पता ही है आपको. तो बी पनिश्ड, फेस द म्यूजिक, बी पनिश्ड, पनिशमेंट झेलना. करी फेवर, तो करी फेवर से देखिए सीक इम्पार्शियल जजमेंट है, कि ऐसा कोई जजमेंट चाहना जो कि इम्पार्शियल हो. तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इम्पार्शियल जजमेंट कोई भी नहीं चाहता. फिर बाकी के ऑप्शंस देखें आप. तो करी फेवर का हो जाएगा सीक फेवरेबल अटेंशन, कि आप चाहते हैं कि फेवरेबल अटेंशन मिले किसी भी चीज पर, बिल्कुल सही तरीके से पक्ष में आकर कोई ध्यान लगे किसी का, तो वो हो जाए करी फेवर. कि आप अगर किसी का फेवर चाहते हैं तो वो है सीक फेवरेबल अटेंशन, करी फेवर. 13 to 15 के जो क्वेश्चन हैं वो वन वर्ड के हैं. तो 13 का जो क्वेश्चन है ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट ए प्लेस, कोई भी संक्षिप्त समय के लिए ठहराव अगर किसी स्थान पर है तो उसको सोजर्न के नाम से जानते हैं. सोजर्न मीन्स संक्षिप्त समय के लिए किया गया ठहराव. जैसे किसी होटल आदि में अगर रुकेंगे तो वो सोजर्न है. सॉलिट्यूड है वो अकेलापन. सॉलिट्यूड से मतलब है अकेलापन. ये जो सॉरी वर्ड है इसका अर्थ होता है कोई भी फॉर्मल पार्टी जो कि जनरली नाइट में होती है, यूजुअली एट नाइट. कोई फॉर्मल पार्टी जो सामान्यतया रात को होती है उसको सॉरी के नाम से जानते हैं. और सोलिस्टस, इसकी जो स्पेलिंग है ये गलत है, यहां पे आई नहीं होना चाहिए बीच में, SOLSTICE, सोलिस्टस, ये स्पेलिंग इसकी होनी चाहिए. सोलिस्टस है वो एक साल में या किसी भी साल में दो बार में से कोई भी एक समय, जब कोई सूरज जो है, सन है, वो भूमध्य रेखा से बहुत अधिक दूर होता है, या तो दक्षिण में या उत्तर में, इन दो दिशाओं में, तो उसको सोलस्टस बोलते हैं. वन ऑफ द टू टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर व्हेन द सन इज फारदेस्ट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर टू द इक्वेटर. दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके वो है क्रेडिबल. क्रेडिबल का मतलब है विश्वास करने योग्य. कभी एडवर्टीजमेंट देखा हो आपने टीवी पे, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय, अकल्पनीय, जिसकी तुलना पॉसिबल नहीं है वो इनक्रेडिबल होगा, जिसकी तुलना पॉसिबल है वो क्रेडिबल होगा. मिराक्युलस का मतलब है चमत्कारपूर्ण. क्रेडिटेबल प्रशंसनीय, क्रेडिटेबल से मतलब है प्रशंसनीय. गुलीबल का मतलब है जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके. क्रेडिटेबल प्रशंसनीय, गुलीबल जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके. 15 का वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है, कोई उनकी रिएक्शन नहीं आता है, इंडिफरेंट है, न्यूट्रल है, तो इसको स्टोइक बोलेंगे. स्टोइक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख में एक जैसा ही रहेगा. इसेंट्रिक का मतलब सनकी, जो ओड बिहेवियर करता है, अलग अलग तरीके का व्यवहार देखने को मिलता है, तो उसको इसेंट्रिक. फिलोसोफर है वो दार्शनिक होता है. फैटलिस्ट का मतलब भाग्यवादी होता है. फिर 16 से 20 तक के क्वेश्चंस हैं वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हैं. नोइंग दैट द एरिया वॉज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, ऑल द बिल्डिंग्स वर रीइन्फोर्स्ड विद एडिशनल कॉन्क्रीट.
नोइंग दैट द एरिया वॉज प्रोन टू अर्थक्वेक्स. प्रोन टू का मतलब ग्रसित होना भी हो सकता है या फिर किसी चीज के प्रति वल्नरेबल है, कमजोरी अगर कोई चीज के प्रति है. तो ये जानते हुए कि एरिया जो है वो अर्थक्वेक के प्रति प्रोन टू है, प्रोन के साथ टू ही लगता है, प्रोन टू का मतलब यहां पे अर्थक्वेक के, अर्थक्वेक को देखते हुए कमजोर एरिया है, अर्थक्वेक प्रभाव पड़ेगा. ऑल द बिल्डिंग्स वर रीइंफोर्स्ड विद एडिशनल कंक्रीट. तो सारी बिल्डिंग्स को मजबूती दी गई, स्ट्रेंथन किया गया, किससे? अतिरिक्त कंक्रीट लगा के. तो क्या इसमें आंसर आएगा? देखिए, नोइंग जो शब्द है वो आईएनजी फॉर्म में तो आता लगता नहीं है, नो के साथ में आईएनजी नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आपको. तो ऐसा फिर विकल्प चुने जिसके साथ, जिसमें नोइंग के बगैर काम चल जाए. तो इसलिए आपका आंसर सी होना चाहिए. तो चूंकि एरिया जो था उसको इस प्रकार से जानते थे कि वो अर्थक्वेक के प्रति प्रोन टू है, वल्नरेबल है, तो सारी बिल्डिंग्स को रीइंफोर्स किया गया एडिशनल कंक्रीट से. 17. आई विल नॉट बाई सम मैंगोज. अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, आई विल नॉट बाई, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं, तो सी आंसर आएगा, आई विल नॉट बाई एनी मैंगोज. He would surely assist me if I had requested him to do so. Third conditional sentence से प्रश्न बना है, if वाले clause में अगर head plus V3 है, तो देखिए if के साथ में head plus V3 का प्रयोग है, तो remaining part में would have, should have, could have या might have का प्रयोग करेंगे. तो ये head plus third form, तो would have लगाना है, would have लगाना है, तो would have surely assisted कहाँ पे है वो देख लीजिए. भाई दो चीजें हैं, एक तो यहां पे बी में वुड हैव और यहां पे विल हैव है. विल हैव लेना नहीं है क्योंकि इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वुड हैव को चुनेंगे, तो बी आपका आंसर होगा. द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द प्लेन क्रैश लेफ्ट एवरीवन इन अ स्टेट ऑफ शॉक. कोई एरर नहीं है, नो इंप्रूवमेंट. वी वर नॉट द वाइजर आफ्टर द हियरिंग द एक्सप्लेनेशन. यहां पे आंसर आएगा आपका नन. थोड़ा सा लगता अजीब है लेकिन नन द वाइजर आप नोट कर लीजिए. नन द वाइजर जो फ्रेज है इसका अर्थ होता है समझ में नहीं आना. नन द वाइजर समझ में नहीं आना. तो यहां पर 20 क्वेश्चंस हो गए. अब आप बात करें पैसेज की, तो पैसेज के पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट प्लेजर दिस साइड ऑफ द लेक. झील के इस तरफ सबसे बड़ी खुशी या सबसे बड़ा आनंद किस चीज का था. नंबर दो में आपसे पूछा कि व्हाट वाज द सेकंड कूलेस्ट थिंग अबाउट द जामुन ट्री. जामुन ट्री के बारे में दूसरी सबसे अच्छी चीज कौन सी थी. नंबर तीन, व्हाट डिड सुनील थिंक ऑफ पैरट्स. सुनील क्या सोचता था पैरट्स के बारे में. नंबर चार, हाउ डिड कालू मैनेज टू रेड द एयरलाइन रिसाइकलिंग बिन्स बिफोर दे वर एम्प्टीड. कैसे कालू मैनेज करता था रेड द एयरलाइन रिसाइकलिंग बिन्स, जो भी कूड़ा कूड़ादान होते हैं उसको रिसाइकलिंग बिन्स, जो भी कूड़े के रिसाइकलिंग बिन्स थी उसको रेड करने का, उस पर धावा बोलने का कैसे वो मैनेज करता. उनको खाली करने से पहले ही वो गायब कर देता उनको. और हाउ डिड द पुलिस रिएक्ट टू कालूज एक्ट ऑफ स्टीलिंग मेटल स्क्रैप्स. और पुलिस ने क्या किया जब उसको पता लगा कि कालू मेटल स्क्रैप्स, मेटल के टुकड़ों को चुराता है, तो उसका रिएक्शन क्या था. अभी पैसेज पढ़ लेते हैं. अनदर मार्वल ऑन द फार साइड ऑफ द लेक वॉज अ लिटिल फार्म दैट फेल्ट लाइक ए सीक्रेट इन द सिटी. एक और जो अद्भुत चीज थी, मार्वल का मतलब हो गया कोई भी आश्चर्यजनक चीज. तो एक और जो आश्चर्यजनक चीज थी ऑन द फार साइड ऑफ द लेक, लेक के उस पार, वो था एक छोटा सा खेत दैट फेल्ट लाइक ए सीक्रेट इन द सिटी. वो कुछ ऐसा था जैसे कि सिटी में एक सीक्रेट हो, रहस्य हो. सम ऑफ द गोंट कर्नाटका लेबरर्स. गोंट का मतलब दुबला पतला. सम ऑफ द गोंट कर्नाटका लेबरर्स इवन लुक्ड अवे व्हेन चिल्ड्रन केम टू डिग एंड ईट. कुछ जो दुबले पतले से कर्नाटका के मजदूर, इवन लुक्ड अवे व्हेन चिल्ड्रन केम टू डिग एंड ईट, जब बच्चे वहां पे आते, डिग खोदते एंड ईट, और वो खाते कुछ भी फल फ्रूट, तो उन नजर हटा लेते थे. बट द ग्रेटेस्ट प्लेजर दिस साइड ऑफ द लेक, लेकिन सबसे अच्छी जो बात थी इस साइड, जो लेक के पहले प्रश्न का आंसर आ रहा है, वॉज द जामुन ट्री. वो था जामुन का पेड़. अ फ्यू मंथ्स बैक कालू एंड सुनील हैड ए फिस्ट इन द ब्रांचेज शेकिंग डाउन ए फ्यू बेरीज ऑफ मिर्ची. कुछ महीनों पहले कालू और सुनील दोनों ने
ब्रांचेज पर ही फीस्ट का दावत होता है वैसे तो अच्छा भोजन उन्होंने ले लिया कैसे शेकिंग डाउन अ फ्यू बेरीज ऑफ मिर्ची वो एक पेड़ था उसको हिला के उसने कुछ बेरीज जो थी वो नीचे गिरा दी उन्हीं को खा लिया दैट्स व्हेन दे केम टू नो द सेकंड कूलेस्ट थिंग अबाउट द जामुन ट्री ये एक और प्रश्न का आंसर है यही वो टाइम था जब उन्हें दूसरी सबसे अच्छी चीज पता लगी जामुन ट्री के बारे में देयर वर पैरट्स नेस्टिंग इन इट वहां पे कुछ तो पैरट्स थे उन्होंने घोंसला बनाया हुआ था सिंस देन सम अदर रोड बॉयज हैड बीन कैप्चरिंग द पैरट्स वन बाय वन टू सेल एट द मैरोल मार्केट तब से कुछ जो रोड के लड़के थे वो कैप्चर कर रहे थे तोतों को पकड़ रहे थे और एक के बाद एक बेच रहे थे मार्केट में बट सुनील हैड ब्रॉट कालू अराउंड टू द बिलीव दैट द बर्ड्स शुड बी लेफ्ट एज दे वर लेकिन सुनील ने कालू को विश्वास दिलाया कि भाई बर्ड्स जो हैं वो जैसे वो अभी इस एकांत में हैं अकेले हैं मुक्त हैं वैसा ही उन्हें रहना चाहिए सुनील लिसन्ड फॉर देयर स्क्वैक्स ईच मॉर्निंग स्क्वैक पक्षियों की आवाज को बोलते हैं सुनील उनकी आवाजों को सुनता हर सुबह टू मेक श्योर दे हैडन्ट बीन अबडक्टेड इन द नाइट ये सुनिश्चित करने के लिए कि दे हैड नॉट बीन अबडक्टेड इन द नाइट कि उनको रात को पकड़ तो नहीं लिया गया अपहरण तो नहीं हो गया अबडक्ट का मतलब किडनैप करना होता है कालूज एक्सपर्टीज वॉज इन द रिसाइकलिंग बिन्स इनसाइड एयरलाइन कैटरिंग कंपाउंड्स कालू की जो कुशलता थी वो थी रिसाइकलिंग बिन्स में जो कूड़े के जो डिब्बे थे उनको रिसाइकल करने में जो कि एयरलाइन कैटरिंग कंपाउंड्स जो एयरलाइन वाले जो क्षेत्र था उसमें था प्राइवेट वेस्ट कलेक्टर्स एम्प्टीड दीज डम्पस्टर्स ऑन ए रेगुलर बेसिस जो निजी वेस्ट कलेक्टर थे कूड़ा इकट्ठा करने वाले लोग थे वो रेगुलर बेसिस पर इन कूड़े के डिब्बों को वहां पे खाली करते बट कालू हैड मास्टर द ट्रैश ट्रक शेड्यूल्स लेकिन कालू को ट्रैश ट्रक के शेड्यूल का एकदम पता था अच्छे से द नाइट बिफोर पिकअप जैसे ही वहां से उठाने के लिए कड़ा उठाने के लिए आते कालू वुड क्लाइम कालू वुड क्लाइम ओवर द बार्ब्ड वायर फेंसेज बार्ब्ड वायर का मतलब है कांटेदार तार फेंसेज का मतलब बाड़ होता है तो वो उन पे चढ़ जाता एंड रेड द ओवरफ्लोइंग बिन्स और जो ओवरफ्लोइंग बिन्स थे जो एकदम खचाखच भरे हुए डिब्बे थे उनको रेड करता रेड का वैसे धावा बोलना होता तो वहां से कुछ जो भी चीज उसको चाहिए होती वो निकाल लेता कालूज रूटीन हैड बिकम नोन बाय द लोकल पुलिस अब ये अंतिम प्रश्न का आंसर आ रहा है तो ये सब जो एक्ट था उसका स्थानीय पुलिस को पता लगा ही केप्ट गेटिंग कोर्ट उसको पकड़ा जाता रहा अंटिल सम कांस्टेबल प्रपोज्ड डिफरेंट अरेंजमेंट जब तक कि कुछ कांस्टेबल ने उसको एक डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बताया कालू कुड कीप हिज मेटल स्क्रैप अब अरेंजमेंट ये था कि कालू को मेटल स्क्रैप रख सकता था जो भी वो चुराता वहां पे इफ ही वुड पास ऑन इंफॉर्मेशन ही पिक्ड ऑन द रोड अबाउट लोकल ड्रग डीलर्स लेकिन शर्त ये थी कि जो लोकल ड्रग डीलर्स थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन अगर वो पास करता पुलिस वालों को तो ये सब कुछ वो कर सकता था 21 का क्वेश्चन व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट प्लेजर दिस साइड ऑफ द लेक तो इसका आंसर तो आ जाएगा जामुन ट्री ये पहले प्रश्न का आंसर व्हाट वाज द सेकंड कूलेस्ट थिंग अबाउट द जामुन ट्री तो वहां पे था कुछ पैरट्स थे जो कि वहां पे घोंसला बनाए हुए थे तो यहां पे बी आंसर आ जाएगा 23 में पूछा व्हाट डिड सुनील थिंक ऑफ पैरट्स सुनील क्या सोचता था पैरट्स के बारे में वो ये सोचता कि उनको कैप्चर नहीं किया जाना चाहिए उनको बेचा नहीं जाना चाहिए जैसे हैं वैसे के वैसा ही उनको रहना चाहिए हाउ डिड कालू मैनेज टू रेड द एयरलाइन रिसाइकलिंग बिन्स बिफोर दे वर एम्प्टीड कैसे उसने ये मास्टर कर लिया इस चीज पर नियंत्रण पा लिया कि उसको खाली होने से पहले ही उस पर रेड डाल देता तो इसका आंसर आ जाएगा बी वो बार्ब्ड वायर फेंसेज से जंप लगा के ऐसा करता और अंतिम क्वेश्चन हाउ डिड द पुलिस रिएक्ट टू कालूज एक्ट ऑफ स्टीलिंग मेटल स्क्रैप क्या उनका रिस्पॉन्स था तो देखिए रिस्पॉन्स तो यहां पे दे नहीं रखा आपको क्योंकि पहला जो ऑप्शन है दे पुट हिम बिहाइंड द बार परमानेंटली ऐसा कोई आंसर नहीं था दे वॉन्ट कालू अगेंस्ट हिज एक्ट ऐसा भी नहीं था सी हो सकता है दे प्लान टू यूज हिम एज देयर इन्फॉर्मर सी और डी दोनों ही हो सकते हैं लेकिन चूंकि अंततः यही था तो दे प्लान टू यूज हिम एज देयर इन्फॉर्मर उन्होंने योजना बनाई कि वो इन्फॉर्मर के रूप में हमारा काम कर देगा पेपर आपका कंप्लीट हो गया है